तो हमारे यहाँ कथा को इतना गहरा महत्व दिया गया कि शिवाजी महाराज ने इतने शौर्य का गुण उसमें कहाँ से आया? तो गुजराती गुजराती जानता है कोई? गुजराती में एक मशहूर कवि हो गए, पोएट झवेरचंद मेघाणी, उनके एक लोरी है, नाम है शिवाजी नु आलरडू। वो आप सुनेंगे, आपको भाषा भी उसका ट्यून, उसका टोन ही इतना है ना, दिल को छू लेने वाला। तो यूट्यूब में भी आता है, कभी सुनिएगा, शिवाजी नु आलरडू। तो उन्होंने वो क्या लिखते हैं, पहले मैं गुजराती बोलूंगी फिर हिंदी करूंगी उसका। पेट मा पोढ़ी ने सांभळेली बाळे राम लखमण नी वात रे, वीरे राम लखमण नी वात। माताजी ना मुख जे दी थी उड़िए नी ऊंघ ते दी थी। शिवाजी जाग कब गए? जब माँ के पेट में उसने कहानी सुनी राम और लक्ष्मण की। राम और लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली ऋषियों के हड्डियों का ढेर देख के। विश्वामित्र के साथ गए, विश्वामित्र को बोला कि ये हड्डियों के ढेर किसके हैं? उसने कहा कि यहाँ ऋषि लोग तपस्या करते थे और राक्षस लोग उनको मार डालते थे, उनको खा जाते थे, उनकी हड्डियों का ढेर, क्योंकि ऋषि तपस्या करेंगे तो समाज में अवेयरनेस होगी, समाज में अवेयरनेस होगी तो राक्षसों को, राक्षसों की जो गुलामी करने को कोई तैयार नहीं होगा, जैसे आज नेताओं की गुलामी करने को और कोई तैयार हो जाता है, वोट बिकते हैं, तो वैसे अवेयरनेस होगी समाज में, वो काम ऋषि करते थे। तो ऋषि का काम खत्म हो जाए इसीलिए राक्षस उनको मार देते थे। राक्षस को कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, निजी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं थी ऋषियों के साथ, लेकिन उसका धंधा चौपट हो जाता था राक्षसों का जब तक ऋषि है। तो पूरा ऋषियों के हड्डियों का ढेर देखा राम ने और लक्ष्मण ने और कहा कि ये हड्डियों के ढेर, उसने कहा कि ये ऋषि मुनियों के हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे समाज में अवेयरनेस लाने का प्रयत्न किया और उनका अंजाम ये हुआ। आज भी बहुत लोग अपना खून पसीना एक करके जल रहे हैं और लोग निग्लेक्ट करते हैं उन लोगों को और पूछते हैं वो राक्षसों के चरण जो हमारे हमारी रोटी खा के हमारे ऊपर भोंकते हैं। तो उस राम और लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की, वहीं से अरण्य कांड की शुरुआत होती है। राम बाल कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड की शुरुआत होती है। तो पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने अरण्य कांड रामायण का फोकस करके ही शिवाजी महाराज का गर्भ में शिक्षण किया था, क्योंकि उस टाइम शिवाजी की जरूरत थी। अरण्य कांड बार बार पढ़ा जिसमें रावण खर दूषण को मारते हैं, त्रिशिरा को मारते हैं, सुबाहु को मारते हैं, मारीच को फेंक देते हैं इतना दूर एक ही बाण में, वो बिना फन बिना वो नोक वाला बाण मारते हैं, तो राव मारीच उड़ के उस तरफ चला जाता है समंदर के। तो ये सब पराक्रम की जो बातें थी, राम लक्ष्मण के पराक्रम की बातें, वो उसी अरण्य कांड में ही शूर्पणखा की नाक काटते हैं राम लक्ष्मण जी, उसी टाइम पे कई कई राक्षसों से युद्ध होता है। अरण्य कांड में ही मुलाकात होती है हनुमान जी से, अरण्य कांड में ही राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है। तो ये पूरा अरण्य कांड का जो वर्णन है वो शिवाजी महाराज की माता ने बार बार पढ़ा, बार बार उसके ऊपर ध्यान दिया, बार बार यही सूचन दिया अपने गर्भ को कि तुझे पराक्रम का काम करना है, पूरी मुगल सल्तनत को तुझे उखाड़ फेंकना है, ऐसा बार बार उसने सुनाया। तो गर्भ में से ही शिवाजी महाराज जाग गए। तो हर एक लाइन का ऐसा मीनिंग निकलता है, ये शिवाजी नु आलरडू। तो पेट में ही राम लक्ष्मण की कथा सुनाई थी, तो कथा कहने का टाइम है पेट में से ही, 0 से लेकर 6 ईयर माने कि पैदा हो गया उसके बाद नहीं, 0 माने गर्भाधान संस्कार के पूर्व से ही कहानियां सुननी है, पढ़नी है, देखनी है माँ को, और तभी से उसका पूरा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फाउंडेशन जैसे मकान होता है उसका ये नींव दिखती नहीं है, लेकिन नींव जितनी मजबूत होगी उतनी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। उसी तरह नींव बन रही है आपका गृहस्थ आश्रम, वो नींव है जो एक दिन बहुत अच्छे फल देगा ब्रह्मचर्य आश्रम का। ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी फल आएगा आपकी गृहस्थ आश्रम को, मानी कि आपका पुत्र या पुत्री होगा अच्छे ब्रह्मचारी बनेंगे, अच्छे ब्रह्मचारी बनेंगे तभी अच्छे गृहस्थ बन पाएंगे, अच्छे गृहस्थ होंगे वही अच्छे वानप्रस्थ होंगे, अच्छे वानप्रस्थ होंगे वही अच्छे सन्यासी होंगे। तो पूरा गृहस्थाश्रम एक पेड़ है जिसके ऊपर ये तीनों फल लटकते हैं, तीनों ही गृहस्थाश्रम का ही फल है।